सीएससी में एक नई सर्विसेज आई हुई है जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। इन सर्विसेज को दोस्तों 26 तारीख यानी कि 25 के शाम को शायद लॉन्च किया जाएगा, तो ये 26 से अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगा। तो ये 26 तारीख से दोस्तों काम करेगा, 26 अगस्त से। तो दोस्तों इसमें कुछ चीजें हैं जो आज हम इसमें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इसमें क्या फायदे हैं वीएलई का और क्या फायदे हैं आपका, तो इन सभी चीज को इसमें हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो दोस्तों सर्विसेज है ये है नेशनल यानी कि NDUW, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सीएससी में ही इसका काम किया जाएगा। भारत में असंगठित क्षेत्र में 43.7 करोड़ कामगार काम कर रहे हैं। असंगठित श्रमिकों का कुल उदाहरण यानी कहने का मतलब दोस्तों इसमें सभी का रजिस्ट्रेशन करना है, और उसमें जितने भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका लिंक दोस्तों हम आपको नीचे में प्रोवाइड कर देंगे लिंक, आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। जेके सुमन सपोर्ट कीजिए टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं। छोटे से सीमांत किसान है, खेतिहार मजदूर है, फिर नमक बनाने वाले हैं, ऑटो चालक है, रेशम उत्पादक है, ईंट मिट्टी जो भी पत्थर बनाने वाले हैं मजदूर, मछुआरा, पशुपालक लोग, बीड़ी बनाने वाले यानी कि भवन और निर्माण श्रमिक यानी भवन जो बनाते हैं वो, फिर बढ़ई जो हो गई लकड़ी का काम करते हैं, जो नाई है, घरेलू श्रमिक है, कहने का मतलब जितने भी श्रमिक है इन सभी का दोस्तों क्या है कि रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे दोस्तों लिखा है व्हाट इज NDUW, दोस्तों ये है क्या, तो यहाँ है श्रम और रोजगार मंत्रालय और संगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रहा है, यानी कि जितना भी काम करने वाले व्यक्ति हैं उन सभी का डेटाबेस तैयार कर रहा है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि एक बेनिफिशियरी का उसमें उसका आधार नंबर से ऑथेंटिकेशन यानी कि उसका फिंगर लगेगा, तब जाके डेटाबेस में मैच किया जाएगा। तो और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे दिया गया है असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण वेबसाइट के द्वारा की जाएगी, यानी कि इसका जो पंजीकरण होगा दोस्तों NDUW का, उसका एक वेबसाइट के द्वारा पंजीकरण किया जाएगा जो कि 26 तारीख को लॉन्च होगी, यानी कि 25 को लॉन्च होगा, 26 से काम करना हर एक वीएलई के पास शुरू हो जाएगा। प्रत्येक असंगठित श्रमिकों को पहचान पत्र जारी किया जाएगा जो कि विशिष्ट पहचान संख्या होगी। असंगठित श्रमिकों को लाभ, इसमें दोस्तों असंगठित श्रमिकों को लाभ होगा। इस डेटाबेस के आधार पर मंत्रालय सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लागू किया, इसी के तहत दोस्तों कोई अच्छी अच्छी योजना मजदूरों के लिए लाई जाने की संभावना बनेगी। उसके बाद है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम मात्र 12 रुपया है। आप जानते भी होंगे 12 रुपया इसका प्रीमियम है, क्योंकि दोस्तों जब आप मानधन कार्ड बनाते होंगे तो उसमें भी टिक मार्क करने का ऑप्शन था जिसमें कि आप 12 रुपये का जो है दोस्तों आप देते थे। उसके बाद है इस योजना के प्रीमियम योजना खासियत क्या है, क्या कर रहा है, इस बीमा योजना के अंतर्गत 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा किया जाएगा। यह योजना 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए है, यह योजना उन सभी के लिए है जो 18 से 70 वर्ष के बीच के है, उन सभी के लिए है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर यदि इस योजना के अंतर्गत बीमा व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है फिर हादसे में दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं तो 2 साल रुपया मिलेंगे, यानी 2 साल तक इन्हें रुपया मिलेगा। तो दोस्तों यही सभी है, ये सभी चीजें हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाइए, रजिस्ट्रेशन क्या कैसे करें, क्यों करें, इसमें रजिस्ट्रेशन हम करें ही क्यों। तो इसमें असंगठित सामाजिक को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजना का लाभ मिलेगा। यह डेटाबेस और संगठित श्रमिकों के लिए निजी और कार्यक्रम बनाने में सरकार की मदद करेगी। अनौपचारिक क्षेत्र में औपचारिक क्षेत्र श्रमिकों के आवाजाही और इसके विपरीत इसके व्यवसाय यानी कि कौशल विकास आदि पर नजर रखना है। तो यही सब चीजें हैं, और साथ ही साथ दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबका चीजें दिया गया है। उम्र है दोस्तों 16 से 59 बीच होनी चाहिए। आयकर दाता नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब आप टैक्स नहीं देते हो, EPFO और EPFC का सदस्य नहीं होना चाहिए, और संगठित श्रमिक की श्रेणी में काम करना चाहिए। इसमें दोस्तों कहने का मतलब हमारे देश में अधिकतर मजदूर ही है, खासकर आप गांव में रहते हैं तो गांव में अधिकतर मजदूर ही होता है, तो उन सभी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य इसमें कर दिया गया है, इन सभी का आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो आवश्यक कागजात, इसमें दोस्तों मजदूर का क्या कागजात, जो आपके पास लाभार्थी आएंगे उसका क्या कागजात लगेंगे, तो अनिवार्य कागजात दोस्तों आधार
नंबर का उपयोग अनिवार्य है केवाईसी, यानी कि आप ओटीपी से कर सकते हैं या फिर आईरेज जो आंख से डिवाइस होता है उससे कर सकते हैं या फिर आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्टिव बैंक अकाउंट, जो आपका एक्टिव बैंक अकाउंट है वो देंगे और जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो देना है। एक्चुअली में दोस्तों है कि आप एजुकेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यानी कि ये सब ऑप्शनल है, देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। स्किल सर्टिफिकेट, सीएससी की भूमिका, यानी कि आप इसमें दोस्तों सीएससी की भूमिका है तो इसमें सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। और दोस्तों हम यहाँ पे अगर बात कर ले ऐसी चीज की, प्रत्येक नए पंजीकरण पर ₹20 करो सहित, यानी कहने का मतलब ₹20 जो है उसका टैक्स सहित का कमीशन जो सीएससी वीएलई और सीएससी एसपीवी के बीच 8.20, यानी कहने का मतलब 80-20, यानी कि 80-20 कहने का मतलब दोस्तों क्या था, आपको ₹20 दिया जाएगा तो उसमें ₹16 वीएलई का होगा और ₹4 दोस्तों सीएससी को जाएगा कि राशन में विभाजित किया जाएगा। और संगठित श्रमिकों से पंजीयन के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी, कहने का मतलब दोस्तों आप जो लाभुक का करेंगे उसे ₹1 चार्ज नहीं किया। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि पोर्टल पे कैसे लॉगिन होगा। दोस्तों सबसे पहले आप पोर्टल लॉगिन करना जानते ही हैं, पोर्टल को लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड से और फिर दोस्तों इस वेबसाइट, ये जो वेबसाइट लॉन्च होगा हम आपको तुरंत जिस दिन लॉन्च होगा तभी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, कुछ इसी प्रकार से वेबसाइट का इंटरफेस खुलेगा। उसमें दोस्तों आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे पंजीकरण पे क्लिक करना है, पंजीकरण में आधार नंबर देके केवाईसी करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसका डेट, यहाँ पे जाएगा आधार से प्राप्त विवरण समीक्षा, यानी कि जांच कर ले आधार से जो जानकारी हो समीक्षा करेंगे, फिर व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करेंगे, जो उसकी व्यक्तिगत जानकारी है मोबाइल नंबर ओटीपी जो भी हो आवासीय यानी कि जहाँ वो रह रहा उसकी जानकारी फिर हम फिल करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं भी देना है तो चलेगा, फिर आप इनकम टैक्स है ये सब दोस्तों ऑप्शनल है, देंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको जैसी सुविधा अगर है तो दीजिए, नहीं कोई बात नहीं। स्व घोषणा पत्र यहाँ पर हम टिक मार्क करेंगे और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको जो दोस्तों क्या है कि कार्ड मिलेगा जो आप यहाँ पे डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा आएगा, असंगठित, यहाँ पे चलिए हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, असंगठित श्रमिक UAN कार्ड भारत सरकार, यानी कहने का मतलब दोस्तों भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। आगे साइड कुछ इस प्रकार से होगा और पीछे भी कुछ इसी प्रकार से दोस्तों रहेगा, तो ये दोस्तों होगी हमारा कार्ड। अब चलिए दोस्तों नीचे स्क्रोल करेंगे, मान्यता प्रश्न जो भी कुछ प्रश्न है और फिर यहाँ पे थैंक यू। तो दोस्तों कहने का मतलब आप पूरा इसे, इसका पीडीएफ हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप या टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, आप पूरा पढ़ लेंगे। और दोस्तों सिर्फ आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर सर्च वाले में ऑप्शन में सर्च करेंगे और इसमें दोस्तों है क्या कि वीएलई का इसमें अच्छा सारा इनकम है। कहने का मतलब दोस्तों हमारे जो भी क्षेत्र है पूरे क्षेत्र में हमें लगभग में लगभग सारा मजदूर है, तो आपको मोबिलाइजेशन कर लेना है दोस्तों। अभी एक फंडे की बात क्या है कि आपको अभी आने वाले इलेक्शन, खास करके बिहार स्टेट में दोस्तों आने वाले हैं इलेक्शन, तो ये कोई गर्व कहने का मतलब बेकार चीज नहीं, ये मजदूर को जरूरी है। तो दोस्तों आप मुखिया वार्ड सदस्य से क्या करेंगे, आप कहेंगे कि आप अभी जो है दोस्तों क्या है कि अभी आप क्षेत्र में जानकारी दीजिए जिससे आपको भी अच्छी सुविधा होगी और आप अपने स्तर से आदमी को बुलाइए, बुलवा दीजिए। अगर आप खुद से भी चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से वार्ड सदस्य जो भी है। अभी तो दोस्तों इलेक्शन हुआ नहीं है लेकिन क्या है कि अभी वो है, अभी वो जगह पे है, तो आप उसे मोबिलाइजेशन यानी कि आदमी को इकट्ठा करने में उसका मदद ले सकते हैं, आशा का मदद ले सकते हैं, विकास मित्र का मदद ले सकते हैं, जो भी इसमें दोस्तों इस क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं उन सभी का आप मदद ले सकते हैं। और अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करना है, एक रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब दोस्तों जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे आपको पर डे हिसाब से आपको पैसा आपके डीजी पे वॉलेट में। दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे वेली को अभी ये भी पता नहीं है कि उसका सीएससी का जितना भी कमीशन है वो सभी कमीशन डीजी पे में ही आता है। अगर आप अभी तक डीजी पे इंस्टॉल नहीं किए हुए, डीजी पे यूज नहीं कर रहे तो आप जरूर से जरूर डीजी पे यूज करें, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डीजी पे कैसे यूज करते हैं, मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी और आई बटन पर भी मिल जाएगा, दोनों जगह आप देख लेंगे। तो दोस्तों डीजी पे में ही कमीशन आता है और इसका भी कमीशन दोस्तों आपको डीजी पे में ही आएगा पर डे, तो ₹16 कमीशन आपको जाएगा और ₹4 जो दोस्तों आपको सीएससी एसपीवी को जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसमें समय बहुत से होते हैं, 5 से 4 मिनट लगेंगे दोस्तों एक में, उतना भी नहीं लगेगा, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट में करते हैं और आप कितने बेहतर यानी कहने का मतलब बेहतर काम कर सकते हैं, अच्छी से जांच कर सकते हैं, आपका अनुभव क्या है, तो जैसा अनुभव होगा आप उस प्रकार से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों आप जितना चाहे उतना काम करें, इसमें सीएससी की एक अच्छी स्कीम है, उसमें आप पैसा अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, अर्न कर सकते हैं, पैसा अर्न करने की दोस्तों जो है पोर्टल है हमारे लिए, तो आप इसका जितना भी कार्ड जनरेट कर सकते हैं करते रहिए और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, जो आप इस काम को अच्छे से अच्छे कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों यही थी जानकारी, आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद जय भारत।